कि गेंठिये की प्रॉब्लम के कारण इनकी पूरी बॉडी में दर्दें रहती थी। ये कोई उठ भी नहीं सकते, कोई काम बिना मेडिसिन खाए कुछ भी नहीं कर सकते। और ये 15 साल तक उस बीमारी का प्रभाव इनके जीवन पर रहा। सिस्टर का नाम सर्वजीत है और जे मक्खनवीडी गांव के रहने वाले हैं और इनकी बहुत ही बड़ी गवाही है। और जे सिस्टर बता रहे हैं कि 15 साल से इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी और जे बहुत ज़्यादा बीमार थे, क्योंकि जे बता रहे कि इनके टांगों में भी दर्द रहती थी और इनके घुटनों में भी दर्द रहती थी और जे बेड पर रहते थे, अपने घर का काम भी नहीं कर सकते थे। और जे बता रहे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा चुके थे अलग अलग डॉक्टर से भी, और जब बता रहे कि इस प्रॉब्लम के कारण इनका बीपी जो है वो हाई रहता था। और जब बताते हैं कि जब भी घर का काम करते थे अगर थोड़ा बहुत तो मेडिसिन खाकर ही कर सकते थे। और जब बता रहे कि सुबह जब भी उठते थे उससे पहले जब मेडिसिन खाते थे फिर कुछ काम करते थे, और घर का ज़्यादा जो काम था इनकी बेटी ही करती थी, जो बहुत ही कम काम करते थे और जो बहुत परेशान हो चुके थे। और जब बता रहे कि जैसे इनको प्रभु की गुड न्यूज़ मिली और जैसे जी इस मिनिस्ट्री में आ रहे थे, और जब बता रहे हैं कि जैसे जी हर एक संगति हर एक मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, और इन्होंने बताया कि जैसे प्रभु के दास हर एक वचन को इनको बताते थे हर एक नियम, तो जब बताते कि जी हाँ सब कुछ कर रहे थे पर फिर भी जो प्रॉब्लम इनके जीवन से जा नहीं रही थी। और जब बता रहे कि इन्होंने एक दिन मीटिंग से जब जी अपने घर गए तो इन्होंने जाकर परमेश्वर से बात की, जो बता रहे कि जी काफ़ी परेशान हो चुके थे जी बहुत ज़्यादा, ऐसे इन्होंने पूरे मन को खोलकर परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर जैसे अपने दास के द्वारा हमें जो कुछ भी बता रहे हम सब कुछ कर रहे हैं और हर एक नियम को भी पूरा कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ी गवाहियों को बताते हैं वो भी हम सुनते हैं, फिर मेरे जीवन में जो बीमारी क्यों नहीं जा रही, इसका क्या कारण है। जब बता रहे कि ऐसे उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं नहीं जानती पर आप मुझे अच्छा कर चुके हो। और जे बताते कि जैसे जी रोज ही मेडिसिन खाते थे तो उन्होंने उस दिन अपना मन बनाया कि आज से मैं मेडिसिन बिल्कुल नहीं खाऊंगी, चाहे मैं बेड से उठूं चाहे काम हो चाहे ना हो। और जैसे इन्होंने उस रात जी बता रही कि उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि कल सुबह हो सकता है जब जैसे मैं मेडिसिन खाती हूँ फिर काम करती हूँ, अगर मैं मेडिसिन ना खाऊंगी तो मुझसे उठा नहीं जाएगा और कल से तुम सारा काम करोगी। और जब बता रही कि ऐसे उसको बोलकर जी सो गए। और जब बता रही कि आधी रात को एकदम से जब बता रही कि परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ, जब इनको जाग आई तो इन्होंने फील किया कि जो बॉडी की इनको इनकी बॉडी में जकड़न रहती थी दर्द रहती थी पूरी तरह से इनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्होंने उसी समय उठकर चेक किया, चल फिर कर देखा, तो फिर इन्होंने अपनी बेटी को जगाया कि इसी समय जो मैं तो सोच रही थी कि कल मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी तो मुझसे उठा नहीं जाएगा, पता नहीं क्या होगा, पर मैं तो बिल्कुल अच्छी हो गई हूँ। जो बता रही कि उस दिन से परमेश्वर ने मुझे इतना अच्छा कर दिया कि आज ये कोई भी मेडिसिन नहीं खा रहे, आज ये पूरी तरह से हर एक प्रॉब्लम से परमेश्वर ने इनको आजाद कर दिया है। और इस गवाही के लिए और प्रभु के दास का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि जो इनको सिखाते थे, और जो परमेश्वर का भी थैंक्स करते हैं इस गवाही के लिए। जब परमेश्वर का थैंक्स करते हैं हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। और सुनो सुनो सारी, और इस गवाही की मैं पूर्ण सच्चाई आपको बताने से पहले कुछ चीज़ें जो लोग ऑनलाइन अभी इस मीटिंग को देख रहे हैं या बाद में जो लोग देखते हैं, तो कुछ गवाहियों को हम ऐसे अलग से काट कर लोगों के उत्साहित के लिए डालते हैं यूट्यूब के ऊपर। और मैं कभी कभी देखता हूं कि परमेश्वर ने बड़े काम वो करता है, बड़ी गवाहियाँ होती हैं। और ये भी गवाही कोई नॉर्मल तो है नहीं, छोटी तो है नहीं, बोलो क्या है? छोटी सी गवाही तो है नहीं। 15 साल इस बीमारी में ये पीड़ित रहे, बहुत बुरा हाल रहा 15 साल तक। और जो लोग अभी यूट्यूब पर अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, तो हम जब गवाहियां कुछ उन लोगों के उत्साहित के लिए डालते हैं ताकि लोगों का भला हो, क्या हो, ताकि जो लोग इस संसार में लोग परेशान हैं दुखी हैं वो इन परमेश्वर की सामर्थ को वो जाने और देखें ताकि उन्हें पता चले। बोलो क्या चले?
कि सच में परमेश्वर काम करता है। क्या करता है? पर मैं कभी कभी देखता हूं, बहुत कम लोग देखते हैं। देखने का कारण है, कुछ लोग जो देखते हैं, मान लो किसी ने 100 बंदे ने देख ली, 200 ने देख ली, उससे 300 ने देख ली, या उसके ऊपर ऊपर, समझ आ रही है? तो क्या है कि जैसे अभी परमेश्वर तो बड़े काम इस मिनिस्ट्री में कर रहा है, पर बहुत सारे लोग हमें इतना अभी जानते नहीं है। तो कभी कभी कुछ लोग जो देखते हैं वो शेयर भी नहीं करते। तो इसलिए मैं एक चीज आपको ये ऑनलाइन लोगों के लिए बता रहा हूं, क्योंकि जब हम इससे परमेश्वर की महिमा बढ़ती है, घटती नहीं है। अगर आपने देखा है, आपको अच्छा लगा जब शेयर करती हो, तो औरों के पास अगर सेम किसी की ऐसी बीमारी होगी, कोई बंदा पीड़ित होगा, तो विश्वास करेगा। क्या करेगा? क्योंकि इस गवाही से आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि जब ये गवाही, मैं आपको सबसे पहले ये सच्चाई बताता हूं कि क्योंकि ये गवाही आज से 6 साल पहले की है। बोलो क्या है? क्योंकि आज हम क्यों दे रहे हैं ये गवाही? आज की नहीं है, ये 6 साल पहले की गवाही है, जब हम इंटरनेट पे ये मीटिंग जब हम लाइव नहीं करते, ये तब की गवाही है। पर खुदा ने मेरे ऐसे मन में डाला, बोलो क्या है, परमेश्वर ने ऐसे मेरे मन में डाला कि हाँ काम तो किया है। जैसे अभी भी आज भी हम मत्ती, मरकस, लुका, यूहन्ना में जो यीशु मसीह ने काम किए, बोलो क्या है, तो आज से 2000 साल पहले की हैं। तो आज भी हम पढ़ते हैं, आज भी लोगों को हम बताते हैं, लकवे को उसने ऐसे, रोगी को अच्छा किया, अंधे को ऐसे किया, लंगड़ा ऐसे चला, बताते हैं ना। तो आज से वो 2000 साल पहले की गवाहियां हैं, जो मत्ती, मरकस, लुका, यूहन्ना में जो काम यीशु मसीह ने किए वो लिखे गए, और आज भी हम बताते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आज मेरे मन में डाला, क्योंकि ये गवाही आज से 6 साल पहले ये खुदा ने इनके जीवन में काम किया, ये 6 साल पहले की, तब हम ये लाइव मीटिंग ये इंटरनेट पे नहीं करते थे, सिर्फ सिंपल करते थे। समझ आ रही? तो गवाही क्या है कि जैसे अभी आपने सुना कि गैंठिये की प्रॉब्लम के कारण इनकी पूरी बॉडी में दर्दें रहती थी, ये कोई उठ भी नहीं सकते, कोई काम बिना मेडिसिन खाए कुछ भी नहीं कर सकते, और ये 15 साल तक उस बीमारी का प्रभाव इनके जीवन पर रहा, 15 साल। पर एक दिन इन्हें गुड न्यूज मिली, यीशु मसीह के बारे पता चला, बोलो क्या है, यीशु मसीह के बारे पता चला, और ये चर्च मतलब परमेश्वर के पास आने लगे। क्या आने लगे? पर सब लोग तो अपनी गवाही दे रहे थे, बोलो क्या है, सब लोग तो अपनी गवाही दे रहे थे। क्या दे रहे थे? सब लोग गवाही दे रहे थे, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये काम किया, मुझे ये बीमारी थी, मुझे ये रोग था, मेरा पति नशा करता था, मेरा ये रोग था, मेरा ये हालात था। पर ये जब भी संगति से घर जाते थे तो उल्टा ज्यादा हालात इनके ऊपर हो जाता था। क्या हो जाता था? ध्यान से सुनो, जब भी ये संगति से घर जाते तो ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती थी। बोलो क्या है? और एक बार इनके मन ने इन्हें दोष लगाया, इन्होंने अपनी बेटी को कहा कि देख मैं जा तो रही हूं, तो मैं अच्छी तो हो नहीं, तो फिर जाने का क्या फायदा? बोलो क्या है? जाने का क्या फायदा फिर मेरा? मैं अच्छी तो हो नहीं रही हूं, जा तो रही हूं, मैं तो अच्छी नहीं हो रही हूं, तो फिर मेरा जाने का क्या फायदा है? क्योंकि ये नए नए थे, ये सच को, सच्चाई को अच्छे से नहीं जानते थे, इसलिए ऐसे इन्होंने कहा, क्योंकि जो जान जाता वो नहीं कभी बोलता। समझ आ रही है? तो उनकी बेटी ने कहा, नहीं मम्मा, परमेश्वर करेगा। बोलो क्या करेगा? परमेश्वर, मुझे विश्वास है परमेश्वर निश्चय आपको चंगा करेगा। नहीं, ऐसे नहीं आपने बोलना, परमेश्वर करेगा। उन्होंने थोड़ा उत्साहित किया, देख सब लोग अपनी गवाही देते हैं, कितने लोग चंगे हो रहे हैं ना, परमेश्वर काम कर रहे हैं, आपको भी चंगा करेगा। तो बेटी ने उत्साहित किया, फिर मन को जैसे दिलासा दिया ना, किसी की बात को सुनकर मन में हौसला आया ना, जिसे बोलते हैं। तो फिर से ये आ रहे थे। पर एक दिन ये ऐसे मीटिंग से घर गए, तो ऐसे जब गए घर, तो इन्होंने अपनी बेटी को कहा कि कल सुबह तूने चाय बनानी है, है ना, मैंने नहीं बनानी, तू। पर ये उस दिन क्या हुआ कि
इन्होंने ऐसे परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर क्या कहा था, इनको माइक दो थोड़ा, ये बताएंगे क्या कहा था आपने उस दिन। मैं पापा जी क्या भी मतलब भी मैं सत्संग च जानी हां ते परमेश्वर जी तुसीं ते हर एक नूं तुसीं चंगियां करदे जो ते तुसीं ते वचन च लिख के दित्ता वा भी मैं तुहाडे अंग ते संग वां ते तुसीं अज मेरे अंग ते संग जो ते मैं तुहाडे नाल अज गलबात लगी करन। मैं चाह धरी ही रसोई विच ते मतलब मैं इतना ही जितना आपो जी दी गल करी दी आ ते मैं इतना कल्ली गल्लां करन डई हां परमेश्वर नाल। मैं परमेश्वर जी मेरे जे तुसीं अंग संग जो ते अज मेरी बीमारी दा मसला हल कर चुके जो, मैनू वधिया कर चुके जो, मैनू नहीं पता मैं परमेश्वर दे नाल इतना गलबात करन डई जितना आपो जी दी गल करी दी आ। मैं कहा परमेश्वर जी नहीं मैं अज तो दवाई नहीं खानी भी मेरी दवाई मैं दिहाड़ी दियां चार पांच खुराकां खानी हाँ ते मैं तुर सकदी हाँ नहीं ते नहीं मैं तुर सकदी। मैं उदन परमेश्वर दा नाम लै के मैं कहा परमेश्वर आ पई जो अज दवाई पा मैं दस दिन ना मंजी तो उठा मैं दवाई नहीं अज तो खानी। मैं अपनी बेटी नूं बाहर निकल के कहा मैं कहा कबला अज मैं रोटी पानी नहीं रात नूं भी करना ते सवेरे भी तू ही उठना वा। मैं कहा जे मैनूं परमेश्वर ठालणगे ते मैं फिर ही उठना वा नहीं ते मैं दवाई नहीं खानी मैं दवाई खा के नहीं उठना भी। मैं इस तरह बोल के परमेश्वर मैं कहा परमेश्वर तुझे समुद्र के दो भाग करन वाले जो हर एक काम बलदियां पट्ठियां जो बचाउण वाले जो ते मेरे लिए क्यों नहीं ये चीज़ होण दी। मैं हर एक ताड़ा नियम भी पूरा करन दी जिस तरह पापा जी सिखाउंदे आ मैं हर एक नियम ते चलण दी आ ते मैं परमात्मा नूं बोलिया परमात्मा जो भी मेरे विच कमी आ मैं नहीं जानदी अपनी कमी नूं उहनूं कमी नूं तुसीं जानदे जो कमी नूं तुसीं बाहर कढ सकदे जो। मैं ते अपनी वालों भी मतलब जिस तरह तुसीं सिखाउंदे पापा जी ओतरा ही करन दी आ ते पर बाकी मैं नहीं जानदी भी मेरे विच की कमी आ उहनूं परमेश्वर तुसीं जानदे जो वह कमी नूं तुसीं मेरी कमी नूं बाहर कढो। वह मैं इन्नी गल कह के पापा जी मैं मुड़ के सौंगी ते रात मैं दो बार उठ के दवाई खानी हाँ। मैं रात उठी ते मैं बहुत ही वधिया हाँ ते मैं कवल नूं ठालिया मैं कहा कवल मैनूं परमेश्वर ने अज बहुत ही वधिया करता अज तक मैं उदों दी वधिया मैं बहुत ही वधिया परमेश्वर ने मैनूं उदों दा छुया मैं अज तक तारीफ करो जोर से जोर से सचमुच उसदी सुनदा है दुआ जो उस तो मंगदा है रब सचमुच उसदी सुनदा है दुआ जो उस तो मंगदा है। सुनो ये कैसे ये बड़ा काम हुआ बोलो क्या हुआ, क्योंकि ये आ तो रहे थे जो जो मैं सिखा रहा था उसे पूरा भी कर रहे थे, सुन रहे थे, सब गवाहियों को भी सुन रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, पर उस चीज के लिए जब तक इनका मन नहीं बना तब तक नहीं हुआ। पर एक दिन उस दिन एक समय तो इन्होंने ऐसे फैसला कर लिया मैं नहीं जाऊंगी मैं अच्छी तो हो नहीं रही, जैसे बहुत सारे लोग जब नहीं काम होते तो यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने कहा बहुत सारे लोग जब काम नहीं होता तो वो यीशु को छोड़ देते हैं। बोले क्या देते हैं, यीशु को छोड़ देते हैं। पर अगर बेटी ना उत्साहित करती, एक दिन फिर इन्होंने बड़ा मन बनाया और ऐसे परमेश्वर से बात की, क्या की मन बनाया कि आज के बाद मैं वो मेडिसिन नहीं खाऊंगी, जबकि 15 साल से तो खा ही रहे थे, आज से मैं मेडिसिन खाऊंगी। और ऐसे परमेश्वर से अपनी किचन में थे और ऐसे परमेश्वर से जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ऐसे बातें करने लगे परमेश्वर से, यहां से मैं नहीं करूं, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे मौत भी आ जाए। बड़ा मन बनाया। उसी रात परमेश्वर ने छुआ, ये रात को उठकर दो बार मेडिसिन खाते थे, इतनी प्रॉब्लम थी। बोलो क्या थी, रात को उठकर दो बार मेडिसिन खाते थे और रात को उठे और अपनी बेटी को बोल रहे देख मैं अच्छी होगी, क्योंकि उठा भी नहीं जाता, हाथ ऐसे बड़ी मुश्किल से उठते और ये कह रहे देख मैं अच्छी हो गई हूं, मेरी प्रॉब्लम सारी चले गई है, मेरा सारा दुख चले गया। ये बहुत खुश थे। बोले क्या थी, क्योंकि जिस दिन अपना पूर्ण मन किसे दिया उसी दिन खुदा ने छुआ और हाँ ये सामने आपके, ये 6 साल हो गए आज कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं है, अपना सारा काम धंधा करते हैं, क्या कर रहे हैं, जबकि एक पानी का
एक छोटा सा मग भी उठाकर नहीं रख सकते थे, इतनी तकलीफ थी। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि ये काम कौन करता है और कब करता है ये बड़े काम? जब हम बड़ा मन बनाते हैं, बड़ा विश्वास हम करते हैं। आमीन। करते हो। इसीलिए मैंने आज आपको परमेश्वर की पहचान के बारे शुरू में बताया ना। समझ आ रही हो? और ये बड़ा काम खुदा ने इनके बड़े मन से किया है। अगर आप इस गवाही को सुनते हो और समझ रहे हो तो मैं विश्वास करता हूं कि खुदावन आपके साथ भी ऐसा ही कर चुका है। आमीन। तारीफ करो दोनों हाथों को उठाकर। जेड़ा दिल नाले मंगदा दुआ ते रब ओदी सुनदा है। जेड़ा दिल नाले मंगदा दुआ ते रब ओदी सुनदा है। जिदे मन विच होवे ना दगा। ओके आमीन। ओके आमीन।